Hello friends. Are you all? You all are good. सबको शुभकामना. तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है आज के वीडियो में हम और एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. तो बहुत सारा दोस्त हमको सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके जरूरत हो तो कमेंट करके हमको सपोर्ट करते हैं. उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत सारा दोस्त भी हमारा जो वीडियोस देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए उनको भी हमारा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए ताकि हमको अच्छा से सपोर्ट मिले. तो चलते हैं आज का वीडियो में. सबको और एक बार वेलकम करना चाहूँगा हमारा ये चैनल लर्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ऊपर. तो आज का जो टॉपिक है फायर ब्लैंकेट के बारे में. फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग तो हम बहुत अटेंड करते हैं, फायर सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फायर सेफ्टी के बारे में सबको बहुत बढ़िया से मालूम है. फिर भी आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फायर ब्लैंकेट. फायर ब्लैंकेट प्रोफेशनली यूज किया जाता है, डोमेस्टिकली भी यूज किया जाता है. प्रोफेशनली मतलब कोई ऑफिस में, कोई कंपनीज में, कोई फैक्ट्री में, वहाँ पर यूज किया जाता है. एंड डोमेस्टिक मतलब घर में यूज किया जाता है, बेस्ट फॉर डोमेस्टिक यूज मैं ये बोलूँगा. तो बहुत सारा सुविधा तो है, जैसे कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होता है और बहुत सारा सुविधा है, बट डोमेस्टिक प्रपोज के लिए फायर ब्लैंकेट ही सबसे बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर बोल के, फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट बोल के मैं बोलूंगा. बेस्ट डोमेस्टिक फायर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होगा तो ये फायर ब्लैंकेट को ही मैं बोलूंगा. राइट. फायर ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट हमको मालूम, कंबल जिसको हम ओढ़ के सोते हैं, राइट, ढकने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये ऐसा एक ब्लैंकेट है जिस ब्लैंकेट स्पेशली डिजाइन किया गया. चलो, फायर को कंट्रोल करने के लिए तीन मेथड हम फॉलो करते हैं. कूलिंग मेथड जिसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, स्मूथरिंग और ब्लैंकेटिंग मेथड जिसमें हम ऑक्सीजन गैस सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, तीसरा स्टार्वेशन मेथड जिसमें हम फ्यूल और जो ईंधन उसको कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पे फायर ब्लैंकेट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है ये सिचुएशन, स्मूथरिंग एंड ब्लैंकेटिंग मेथड में ही जरूरत पड़ता है हमारा फायर ब्लैंकेट. जब आप फायर ब्लैंकेट यूज करते हैं तो मतलब आप ब्लैंकेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और स्मूथरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और भी बोल सकते हैं कि आप ऑक्सीजन सप्लाई को स्टॉप करके आग को रोकना चाहते हैं. हीट रहेगा, फ्यूल रहेगा, लेकिन आप फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके आप ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देंगे, जाके ऑटोमेटिकली फायर कंट्रोल हो जाएगा. राइट. So here we are using the blanketing or smothering method to control the fire, right? We are stopping the oxygen gas supply and we are preventing the fire. That's all. So there are three methods to prevent the fire. One is cooling, second is blanketing or smothering, third is starvation. But by using the fire blanket, definitely we are using the smothering or blanketing method. Fire blanket, especially designed blanket hota hai. जो स्टैंड पर्टिकुलर इंडियन स्टैंडर्ड का हिसाब में बनाया जाता है और जो फायर प्रूफ एंड हीट प्रूफ है. फायर ब्लैंकेट इज स्पेशली डिजाइंड ब्लैंकेट, राइट, विच इज हीट प्रूफ एंड फायर प्रूफ. दैट इज स्पेशल ईएन स्टैंडर्ड, ओके, स्पेशल आईएस स्टैंडर्ड, स्पेशल आईएसओ स्टैंडर्ड को बेस करके इसको बनाया जाता है जो कि हीट एंड फायर को सहता है. Proof, fireproof and heat proof, right? Basically, human body fire, domestic kitchen fire, ये दोनों fire को control करने के लिए इसका बढ़िया से इस्तेमाल किया जाता है, right? To control the fire on human body, to control the domestic kitchen fire, ये दोनों fire control करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. And third one, professionally, office में, companies में, factories में, बिल्डिंग में सपोज फायर हो गया है और आप इवैक्यूएशन कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो इवैक्यूएशन के बाद, सो किसी को रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्लैंकेट को भी एक स्ट्रेचर जैसा बनाया जाता है.
picture number 3, this one showing, you can use the fire blanket as a stretcher also to rescue one person. And also you can use this fire blanket to control the fire of human body, fire on human body, or to control the domestic kitchen. Right? इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. And there is no expiry date of fire blanket. This is the good and very plus point of fire blanket. अब fire extinguisher रखते हो, एक साल, दो साल, पांच साल में expire हो जाएगा, उसको refill करना पड़ेगा, right? And उसको एक बार use कर दिया तो आप reuse भी नहीं कर सकते. But fire blanket can be reused and fire blanket doesn't have any expiry date. Maximum इसका expiry date नहीं. ये एक अच्छा पॉइंट होता है, एक्सपायरी डेट भी नहीं है और रीयूज भी कर सकते हैं. इसका जो साइज आता है मार्केट में, फायर ब्लैंकेट का जो साइज आता है 1 मीटर में आता है, राइट? देन 1.2 और 1.2 मीटर का आता है. तो इधर 1 मतलब क्या, लंबा और चौड़ा, राइट? लेंथ एंड विड्थ, लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, लेंथ 1.2 मीटर, विड्थ 1.2 मीटर, length 1.2 meter width 1.8 meters, length 1.8 meter and width 1.8 meter also, length 2 meter width 2 meter. ये सब साइज में fire blanket market में मिलता, right? तो और देखते हैं ये fire blanket का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, fire blanket का इस्तेमाल कैसे होता है उसको देख लेंगे. ये एक वीडियो है, हम इसको देखेंगे फायर ब्लैंकेट कैसे इस्तेमाल किया जाए. फॉर एग्जांपल देखिए, ये कुकिंग फायर, किचन फायर, जो मतलब कुकिंग का वजह से जो फायर हुआ है, जिसको हम डोमेस्टिक किचन फायर बोल सकते हैं. देखो फायर ब्लैंकेट को खींचा गया, फायर ब्लैंकेट ऐसा तैयार रहता है, फायर ब्लैंकेट ऐसा तैयार रहता है, वहां पे दो रस्सी दिखेगा. आप जब इंस्टॉल कर देंगे फायर ब्लैंकेट को, दो रस्सी दिखेगा, रस्सी दोनों को पकड़ना है, नीचे खींचना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. और फिर उसको इस तरफ पकड़ना है जैसे कि अपना हाथ दोनों सेफ रहे, अंदर का तरफ रहे अपना हाथ, फिर जाके उसको ढकना है. किसका ऊपर? आग का ऊपर ढकना है, स्लोली ढकना है, जब जल्दबाजी नहीं करना है, और चारों तरफ आराम से पैक कर देना है कि ऑक्सीजन गैस अंदर ना जाए. और उसके बाद आपका जो होगा सोर्स, गैस है या क्या है जल रहा है, उसको बंद करना, इग्निशन सोर्स को बंद कर देना है, ठीक है? पीछे नहीं हटना है, पीछे हटेंगे तो फिर आग हमारा बॉडी में लग सकता है. तो एक बार जाना है, ढक देना है, कवर कर देना है और पीछे आ जाना है. लेकिन फायर ब्लैंकेट ढकने से पहले इसमें पानी वानी ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करना है. ऐसा हम करते हैं तो फिर फायर बड़ा हो जाएगा और स्प्रेड कर जाएगा, मतलब पूरा फैल जाएगा. तो पानी वानी फेंकने का जरूरत नहीं, जस्ट ब्लैंकेट हटाओ, ब्लैंकेट उठाओ और आराम से ढक. यही होता है फायर ब्लैंकेट यूज करने का जो तरीका, और कुछ खास नहीं है. शायद आपको समझ में आया होगा हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट, फायर ब्लैंकेट. और एक चीज यहाँ पे खास बोलना चाहूंगा, फायर ब्लैंकेट डोमेस्टिक यूज के लिए बहुत बढ़िया है. डोमेस्टिक यूज के लिए आप फायर ब्लैंकेट खरीद रहे हो तो बहुत बढ़िया है, होम यूज के लिए. और फायर ब्लैंकेट का प्राइस भी, उसका दाम जो होता है ना, इतना ज्यादा नहीं है. फायर ब्लैंकेट का प्राइस बहुत कम है, ये आपको 1000 रुपीज से शुरू होके 2000, 3000, 4000 तक मिल जाएगा. लेकिन आपको 1000 रुपीज में एक फायर ब्लैंकेट मिल जाएगा जो आपको इमरजेंसी में सपोर्ट कर सके, आपका फैमिली को सपोर्ट कर सके. सपोज आप फायर फाइटर हो, आप सिक्योरिटी में काम करते हो, आप सेफ्टी में काम करते हो, आपको फायर फाइटिंग आता है, तो आप दूसरा का प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देते हो, कोई कंपनी को, कोई फैक्ट्री को आप प्रोटेक्शन देते हो, वहां पे फायर लगेगा तो आप फायर फाइट करोगे, तो अपना घर के लिए भी तो जरूरी है ना. तो अपना घर में भी आप एक फायर ब्लैंकेट खरीद के रख सकते हो 1000-1500 रुपया में, जिसका कोई एक्सपायर डेट नहीं है, जिसको रीयूज भी कर सकते हो. होप आज का जो मैसेज, आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा. वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएगा. थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में. हैव अ गुड डे.